और आप देख सकते हैं कि मानस नेशनल पार्क के अपोजिट साइड से रोड गई है नदी के किनारे, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पे आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बोटिंग का कितना चार्ज है मैंने अभी पूछा नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कितना लगेगा इसमें। ये तो शायद ज़्यादा ही चार्ज करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सीट है, मैंने 15-20-25 लोग को बैठा सकते हैं एक बार में। ये नज़ारा अभी मानस नेशनल पार्क में, ये देखो बोट सफारी का टिकट, और मैंने अभी टिकट ले लिया, बोट पे बैठा हूँ। ये मेरा दोस्त बगल में, और इसने लाइफ जैकेट पहन लिया, मैंने भी लाइफ जैकेट पहना, मैंने भी लाइफ जैकेट पहनना है, और बहुत सारे लोग टिकट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे बोटिंग के लिए, जो नज़ारा होगा आप लोग को दिखाएंगे। देख सकते हैं कि बहुत सारे पब्लिक असेंबल किए, 10 आदमी हो गया, तो अभी हमारा जो बोट है तैयार हो गया घूमने के लिए। नहीं तो 2 आदमी में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अभी बजट प्राइस 50 रुपये में मैं अभी बोटिंग का आनंद ले रहा हूँ। चलिए भाई, अब हमारा बोट स्टार्ट होने वाला है, अब बोटिंग का आनंद लीजिए, पूरा फुल एंजॉय मानस नेशनल पार्क का, रेखी नदी में बेहतरीन नज़ारा। और ये हमारा बोट स्टार्ट हो गया है, बल पावा, और मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया है, और अब रेखी नदी में जाएगा। अभी भाई यहीं पर ब्रेकफास्ट करके, मतलब रास्ता पानी करके यहाँ से गया था बोटिंग स्पॉट पे। और यहाँ सामने देखिए दो बंदे लकड़ी कैसे लेके आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट है, और इस बार ही फर्स्ट टाइम यहाँ पर मेला लगेगा सामने की तरफ, यहाँ पे इस बार झूला भी लगेगा। ये पहली बार होगा मानस नेशनल पार्क का, जितना भी एरिया देख रहे हैं सब पिकनिक स्पॉट है। ये यूनियंस जो होते हैं ना, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहली बार जो मेला होगा उसमें इस बार झूला वूला सब लगेगा और खेल वेल सब होगा। तो इस बार मैं भी, मेरा पूरा चांस है कि मैं इस बार यहाँ पर मेला लगाऊँगा, मेले में आऊँगा, मैं यहाँ पे रहूँगा। 27 दिसंबर से मेला चालू होने वाला है, उस मेले का एंजॉय लूँगा। आप इधर, आप इस बोटिंग स्पॉट का आनंद लीजिए, ये पिकनिक स्पॉट भी है, और नए साल में बहुत सारे पब्लिक आएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। बस इस लोकेशन को आप एंजॉय कीजिए। इस ट्रिप में 2 बार अप एंड डाउन होता है, तो घुमाएँगे आपको बोटिंग में। यहाँ से एक बार इधर, एक बार इधर, फिर वापस एक बार इधर, फिर एक बार वापस इधर, ये 2 बार ट्रिप होता है। उसी का आपको 50 रुपये देने होते हैं, ये बोटिंग चार्ज है।
सामने नेशनल पार्क का वो जो है सामने वो भूटान का पहाड़ है। और मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे दो बंदे देखिए बाहर से जो पहाड़ से पैक के लकड़ी आता है ना, उस लकड़ी को इकट्ठा करके पानी में बांध करके कहीं दूर से बहाते हुए लेके आए हैं इस तरफ। और ये देखिए या तो तैराकी कर रहे होंगे, तैराकी सीख रहे होंगे, या लकड़ी कहीं से बांध करके लेके आए होंगे। ये फर्स्ट टर्न हो गया, एक बार और टर्निंग करके फिर ये बोटिंग खत्म हो जाएगा। ये दो चक्कर लगाते हैं इस नदी में, यहाँ से लेके और सामने तक, फिर वापस इधर, फिर वापस उधर, फिर वापस यहीं पर। और देखिए एक पक्षी, लकड़ी लेके आ रहा हूँ। ये छोटा सा बोटिंग का एरिया जहाँ बोटिंग का आनंद ले रहा हूँ मैं अभी। फिर से वापस दूसरा टर्न के लिए जाएगा। यह सामने ही मेला ग्राउंड बनेगा जहां पे कि पूरा झूला वूला लगेगा सामने इस तरफ। ये देखिए बच्चे लोग अभी इधर से टूर कर करके पिकनिक स्पॉट पर वापस जा रहे हैं। और देखिए कितना जिप्सी जा रहा है, एक ये पहला जिप्सी। और मोर देख के एक्साइटेड हो रहे हैं, सामने मोर है, सब देख करके एक्साइटेड हो रहे हैं। ये दूसरी जिप्सी और सब एक्साइटेड है। देखिए ये सब मोर को देख के एक्साइटेड है पूरा।
दूसरी गाड़ी, तीसरी तीसरी जा रही है अभी, और मोर भी नजर है, और ये चौथी गाड़ी जा रही है अभी, ये पांचवी, छठी और ये सातवीं गाड़ी। ये सभी मोर को देख के एक्साइटेड हो रहे हैं। सामने वहाँ पे पेड़ के बीच में देख सकते हैं कि दो मोर बैठे हुए हैं। ठीक वहाँ सामने आप देखिए पेड़ के नीचे, वहाँ पे एक मोर बैठा है, उसके बगल में एक मोर बैठा है। तो ये अभी सब स्कूल के बच्चे यहाँ से नज़ारा देख करके एक्साइटेड हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार दिख रहा होगा आपको मोर। जूम करता हूँ, और ठीक यहाँ से देखिए मोर मेरे को दिख रहा है। ये देखिए मोर अभी मूवमेंट करते हुए पेड़ के पीछे चला गया। अभी मैं वापस लौट रहा हूँ मानस नेशनल पार्क का जो एरिया है, बस घुमा, अभी अंदर नहीं गया, अंदर जाऊँगा मैं जब आऊँगा नेक्स्ट ट्रिप में। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, पेड़ के नीचे मोर बैठा हुआ, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। फाइनली अभी मानस नेशनल पार्क के बाहर कैफेटेरिया में बैठ कर से अभी खाने का ऑर्डर दे दियो मैं। मेरा खाना आ गया वेजिटेरियन खाना है, ये वेजिटेरियन, इसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, मिक्स सब्जी है, अचार है, प्याज मिर्ची आ गया। अभी खा के यहाँ से फिर वापस जाएंगे अपने किला स्पॉट पे रायबंदर। तो अभी यहाँ से थोड़ा देर रिलैक्स करूँगा मैं, उसको खाऊँगा, उसके बाद यहाँ से जाके मेला ग्राउंड पहुँचेंगे। अभी बस खाना खा लिया हूँ और वापस यहाँ से मैं अभी शॉक तक जा रहा हूँ। एक किलोमीटर जो पीछे जहाँ पर मैं उतरा था ना, वहीं पर वापस जा रहा हूँ, वहाँ से फिर टेम्पो लेके जाऊँगा। देखते हैं, अभी तो इधर कोई टेम्पो नहीं है, या टोटो या बिलबिल्ली, जिसको असमी लोग बिलबिल्ली बोलते हैं टोटो को, तो वहाँ तक जाएंगे, देखते हैं कोई टोटो मिल जाए तो फिर वहाँ से फिर चलते हैं। अभी तो बस आप यहाँ का एक बार नज़ारा देखिए। बस अब हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है चौक, वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ से फिर बिलबिल्ली लेके या टोटो लेके वहाँ तक अपने गाय बंधा जाएंगे। ये देखिए बांस और लकड़ी का ये पेलिकन, राइनो, एलिफेंट, राइनो, बिल्ली जा रहा था, बिल्ली में जाएंगे। ये गांव का इलाका है इधर से। फाइनली अभी बिल्ली पे बैठ गया हूँ और यहाँ से अभी कटाझार जा रहा हूँ। कटाझार से 10 रुपये लगेगा, मेन रोड हो गया कटाझार, कटाझार से 10 रुपये लगेगा, यानी 1 किलोमीटर है गाय बंदा, तो वहाँ पे गाय बंदा चला जाऊँगा। और एक अभी दोस्त में आया था तो मैं रोक के इस साइड का नज़ारा आपको दिखाया था, और कुछ और इस साइड मैंने चागे बगान दिखाया था। इधर देखिए बहुत सारा होम स्टे है, ये देखिए मानस रैबिट होम स्टे, मैंने इधर बहुत होम स्टे भी है। आप मानस नेशनल पार्क के बाहर में भी आएंगे तो यहाँ पर घूमने की व्यवस्था बहुत है, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं सर्च करके गूगल पे, या आप यहाँ पे आकर के भी बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे यहाँ का, अब सीधा मैं मेला ग्राउंड पहुँचता हूँ और आज का जो नज़ारा होगा मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। हेलो गाइस, कैसे आप सब? बढ़िया। रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ, प्रोग्राम चल रहा है, मतलब बाहर से कलाकार आए हुए हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और
इसी मेला ग्राउंड में एक होटल में जैसे कि खाना तो नहीं मिलता है, लेकिन मैंने अपना खाना बनाने का सेटिंग करवा लिया है। तीन चार दिन से मेरे को यहाँ पर खाना बना हुआ मिलता है, मैं उसके लिए पैसे देता हूँ और खाना मेरा बन जाता है पर्सनली। देखिए इधर मैं उधर चोखा बन गया है मेरे लिए स्पेशल, और इधर दाल रेडी हो गया, दाल रेडी हो गया है, इधर चोखा बन गया है, उधर चावल बन गया कुकर में, और मैं अभी चावल दाल चोखा घर के जैसा फीलिंग में खाना खाऊंगा। उसके बाद फिर प्रोग्राम देखने जाऊंगा, प्रोग्राम देख के फिर वहीं पर स्टेज जब खाली होगा तो वहीं पर रेस्ट करूंगा। और देखिए मेरा खाना आ गया देसी, पूरा फुल देसी खाना, चोखा है, दाल है, चावल है, बन गया है, और मैं अभी खाने का एंजॉय कर रहा हूँ। खाना खाने के बाद फिर चलेंगे रेस्ट करने के लिए।